जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मई 2021 के राशिफल की। मई 2021 के राशिफल में तुला राशि की बात करेंगे, तुला राशि की लव लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपके पारिवारिक जीवन, धन, करियर और स्वास्थ्य की भी बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप तुला राशि वालों की मई 2021 की लव लाइफ, मैरिड लाइफ और राशिफल की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर तुला राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इनमें गजब का संयम होता है। बहुत संतुलित होते हैं ये, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, ये अपने को नियंत्रित कर लेते हैं, ये जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। बहुत ही सामाजिक होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में पंचम भाव के स्वामी शनि, जो कि पूरे महीने स्वराशि के होकर मकर राशि में चौथे भाव में गोचर करेंगे, आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। पूरे महीने शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होगी। शनि की दशम दृष्टि और गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को समय देंगे, चाहे वो आप सोशल मीडिया पर समय दें या एक दूसरे को मिलकर समय दें या साथ में समय गुजारें, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आपके लिए कुंभ राशि और मिथुन राशि और खुद तुला राशि का प्रेमी या प्रेमिका या जीवन साथी अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और राशि वाला आपका साथी आपका साथ नहीं निभाएगा, वो भी आपका अच्छा साथ देगा। आपके वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सूर्य 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होंगे। उसके बाद के समय में सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। आपके सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे 14 मई तक। इस समय पर आपके अपने जीवन साथी के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, आपस में तकरार हो सकती है। इस समय पर संयम के साथ काम लें, आपस में झगड़े नहीं। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में होंगे, जब ये स्थिति नहीं रहेगी। इस समय पर आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, आपको संयम के साथ शांति का परिचय देना होगा, फिर आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। कुल मिलाकर मैरिड लाइफ में मिश्रित फल प्राप्त होंगे इस महीने। पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि पूरे महीने आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी शनि अपनी ही मकर राशि में चौथे भाव में रहेंगे। मंगल की दृष्टि द्वादश भाव, तृतीय भाव और चौथे भाव पर रहेगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर, दसम भाव पर और आपकी राशि पर रहेगी। और द्वितीय भाव में केतु रहेंगे। आपको वाद विवाद से बचना होगा, परिवार में आपस में विश्वास कम हो सकता है, इसलिए आपस में आप झगड़ सकते हैं। आपको परिवार में शांति के साथ चलना होगा। परिवार में आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। अगर कोई बीमारी पहले से है माता को, तो इस महीने ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं। आय भाव के स्वामी 14 मई तक उच्च के होकर मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में रहेंगे। आय के मामले में अप एंड डाउन रहेगा, अचानक लाभ और अचानक हानि का सामना करना पड़ सकता है। धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे, तो भाग्य का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर धन के मामले में इस महीने मिले जुले फल प्राप्त होंगे। करियर के मामले में व्यापारी वर्ग को इस महीने कुछ समय लाभ और कुछ समय अचानक लाभ या अचानक हानि का सामना करना पड़ सकता है। 14 मई के बाद का समय संघर्ष वाला हो सकता है, जब राहु के साथ अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे। जिनका व्यापार सरकारी वर्ष से जुड़ा है, 14 मई के पहले का समय उनके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर मिश्रित परिणाम मिलेंगे व्यापार कारोबार में। जो लोग नौकरी वर्ग में आते हैं उनको भी इस महीने मिले जुले फल प्राप्त होंगे या सामान्य से फल प्राप्त होंगे। जो सरकारी नौकरी वर्ग में आते हैं उनको 14 मई तक कोई लाभ या पदोन्नति मिल सकती है। बाकी जो प्राइवेट जॉब में हैं इस महीने उनको मिले जुले फल ही प्राप्त होंगे। आपके दसम भाव के स्वामी चंद्रमा पूरे महीने सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिश्रित प्रणाम ही देंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके छठे भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव में रहेंगे, एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस महीने। अष्टम भाव में राहु बुध रहेंगे,
14 मई के आसपास सूर्य भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी, नियमित योग व प्राणायाम अवश्य करें, तनाव से बचें। उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन गौ सेवा करनी चाहिए। अगर रोज ना कर सके तो शुक्रवार को अवश्य करें। आप चाहें तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र या सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। शनिवार वाले दिन गरीब अपाहिज लोगों को भोजन करवाएं, आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों का मई 2021 के राशिफल की चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतरदशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।